राहुल गांधी मामले में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। कि नहीं थी, गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन ना जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, ना जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए, और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। पॉलिटिकल साइकोसिस ऑफ राहुल गांधी इज ऑन फुल डिस्प्ले। राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला, और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन 4 मई 2019 इन एन मैगजीन इंटरव्यू राहुल गांधी इन हिज ओन वर्ड्स क्लेम्ड दैट नरेंद्र मोदीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज हिज इमेज। Rahul Gandhi has publicly claimed that he will attack Narendra Modi and rip his image apart. This is not the first time that someone from the Gandhi family threatened Narendra Modi. If we look at the history of the UPA, by hook and by crook, the Gandhi family tried their best to ensure that their arrogant challenge of punishing Narendra Modi
फॉर हिज लीडरशिप कैपेसिटीज टू डिलीवर डेवलपमेंट इज पनिश्ड, बट वॉट द गांधी खानदान कुड नॉट स्टॉप वॉज द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज विद ओनली वन रिक्वेस्ट, दैट व्हाइल द गांधी फैमिली कैन अटैक हिम, दिस अटैक शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू एन अटैक ऑन द नेशन स्टेट. बट सच इज द पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन ऑफ राहुल गांधी. There a promise he made to a newspaper and a magazine could not be fructified, and hence he continued with his tirade. Like I said, the political psychosis of Rahul Gandhi is at full display. He abused and accused Modi in parliament, but could not verify his own statement by authenticating it with his own signature. This gentleman who claims false bravado in a press conference by abusing journalists went scurrying to the Supreme Court begging with an apology. That Rahul Gandhi has been convicted by a court for not abusing an individual but an OBC community is known to every citizen of our country. But is this the first time that Rahul Gandhi and his family have abused people, citizens from backward communities or tribal communities for that matter? The media, the citizens of our country saw Rahul Gandhi's political arrogance at display when a Dalit leader of the Congress party was made to pick up Rahul Gandhi's footwear. Everybody knows that when the Bharatiya Janata Party proposed the name of Srimati Draupadi Murmu, belonging to a poor tribal family, as the contender for the President of India, it is then that the Congress leadership, under the tutelage of the Gandhi family, unleashed vile attacks on Draupadi Murmuji. So Rahul Gandhi, your promise on the 4th of May 2019 to a magazine editor that you will rip Modi's image apart is a promise that shall remain unfulfilled. Because Narendra Modi's greatest strength is the people of India. That Rahul Gandhi could not develop the humility to beg the forgiveness of the OBC community in our country is just another manifestation of a political arrogance called the Gandhi family. जी मैम, एक प्रश्न है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट वर्डिक्ट हुआ है उसको अडानी इशू से जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया था उससे कांग्रेस कर रही है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार का इसमें हाथ था, ऐसा एक परसेप्शन. मैं स्पष्ट शब्दों में दोबारा कहती हूँ, ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है. उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया. वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं. लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया. अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं. मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं, राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना, उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है
ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है, मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। स्मृति जी, कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे तुरंत नोटिस? घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। श्रीनिवास है, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई है, और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए कहती हूँ शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी की हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहे। राहुल गांधी के पक्ष में मैम ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में विपक्षी पार्टी को एकजुट किया जाए, वो प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, संसद से विजय चौक जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, कैसे देखते हैं मैम? मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है, आपको उसका सामर्थ्य पता नहीं चल रहा? कल जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्पीकर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से पेपर फेंके जा रहे हैं, वो स्पीकर की कुर्सी लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। क्या डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार गांधी खानदान को है? वो लोकसभा के स्पीकर हैं, किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वो कुर्सी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सबसे वरिष्ठ पीठ है। मैम, ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, वेदांत पटेल ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट हैज सेड दैट आई थिंक द एप्रोप्रिएट रिस्पांस एन एप्रोप्रिएट रिस्पांस विल बी गिवन बाय द एमईए, बट इट इज इंट्रीगिंग फॉर मी दैट इफ यू लुक बैक at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India. I hope MEA can give a response to this, which is to your satisfaction, but this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. Yesterday Congress party leaders were wearing black clothes and all the opposition leaders came out, they had नरेंद्र भाई ने कहा ना कि जब प्रगति बहुत होती है तो कहीं ना कहीं काला टीका लगना जरूरी है। थैंक यू।